यहाँ पे मैं बनाई थी मसालेदार क्रिस्पी फूले फूले कच्चे पपीता का पराठा। तो जी हाँ, ये है कच्चे पपीता का पराठा। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, आप इसे बना के ट्राई करें तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं आधे किलो से थोड़ा ज़्यादा बड़ा पपीता था, उसे छील के अच्छे से धो ली हूँ, और मीडियम साइज़ की जो ग्रेटर आती है उससे ग्रेट करके ले ली हूँ। मैं यहाँ पहले से ही सारी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, ताकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी ना बने और आप जो है बोर ना हो। और साथ में ही एक प्याज है, उसे भी बारीक चॉप करके मैं यहाँ पे रखी हूँ। थोड़े से अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च है, जिसे मिक्सी में डाल के मैं क्रश कर ली हूँ। तो आप चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में डालेंगे 2 चम्मच बेसन, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसकी कलर जो है चेंज ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। बेसन डालने से जो है पपीता का एक्स्ट्रा पानी जो है वो बेसन में अब्जॉर्ब हो जाएगा, और हमारे पराठे जो है गीले गीले नहीं बनेंगे और वो अच्छे से क्रिस्पी और फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ ये अच्छे से भून चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। सेम पैन में ही मैं ले रही हूँ 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे, और इसे पैन में मैं इस तरह यहाँ फैला ले रही हूँ। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो मैं यहाँ डाली हूँ 1/2 छोटी चम्मच 5 फोरन। किसी भी पराठे में अगर आप 5 फोरन का यूज करते हैं तो उसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें जो है क्या क्या डाला इसके ऊपर डिटेल रेसिपी है, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट को डाल के इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है। 1 मिनट हो भून लेने के बाद में आप देख सकते हैं इसका कलर जो हल्का सा चेंज हो जाता है। उसके बाद में इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हल्का सा जो पिंकिश कलर आने का रहता है पिंक प्याज का, उतने ही हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे प्याज का भी कलर चेंज हो चुका है। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें पपीता को डाल देंगे, और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इस पपीता के पराठे को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और 1 चम्मच मैं यहाँ डाल रही भुने हुए धनिया जीरे और गोलकी के पाउडर। इसके ऊपर डिटेल रेसिपी चैनल पे अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं। और साथ में डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, और इसमें मसाले का यूज नहीं करेंगे, और हाई फ्लेम पर ही इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जितना है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं पपीता की क्वांटिटी जो है वो भी अब कम हो गई है, और इसे कंटिन्यू हमें हाई फ्लेम पे ही भुनना रहता है। अब इसमें डाल देंगे बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टफिंग को बना के आप आराम से फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रख के पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से जब भून जाए उसके बाद बेसन डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बहुत सारे पराठे की रेसिपी जो है मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपको कौन सी पराठे की रेसिपी चाहिए वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये अच्छे से भून चुका है, उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं ली हूँ आटा, उसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, और यहाँ पे हम बिल्कुल चपाती की तरह सॉफ्ट डो लगा लेना है। अगर हमारा डो जो है सॉफ्ट रहता है तो पराठे भी फूले फूले बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा आटा जो है लग चुका है, तो इसे अब हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुका है, मैं यहाँ पे ली थोड़े से सूखे आटे, जिससे हम पराठे को बेलेंगे। तो यहाँ पे रोटी जो होती है उसी थोड़ी सी बड़ी बड़ी साइज की हम यहाँ पे पराठे बनाएंगे। और इस तरह हम इसे हाथ से फैला लेंगे। साइड की जो है रहती है उसे हमें पतला करना है, और बीच में जो है थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और यहाँ पे स्टफिंग जो है मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ, जिससे पराठे खाने में मज़ा आए। जब हमारा आटा जो है परफेक्ट लगे रहता है, तो आप देख सकते हैं कितना आराम से ये फोल्ड हो जाता है इस तरह। और इसे हाथ से ही पहले थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। मैं यहाँ पे और एक जो है आपको भर के दिखा रही हूँ।
इसके साइड्स को जो है बिल्कुल पतला कर लेना और बीच में मोटा रखना है। इस तरह बनाने से आपके सारे पराठे जो है फूले फूले बनेंगे और बिल्कुल भी कहीं से क्रैक्स नहीं आएगी। तो यहाँ पे सूखा आटा लगाने के बाद में इसे हाथ से पहले थोड़ा सा फैला लेंगे, उसके बाद हल्के हाथों से बेलन को चलाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल पतला पराठा जो है मैं बना के तैयार की हूँ। तो इसे अब हम सेक लेते हैं। हाई फ्लेम पे तवे को गरम करेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और पराठे को सेकेंगे। वहाँ पे एक पराठा जो है सीख रही है, तब तक यहाँ पे हम दूसरा बना के तैयार कर लेते हैं। जब इस तरह थोड़े से बबल आने लगे तो उसे हम पलट लेंगे। अब मैं यहाँ पे इसे नॉर्मल जो तेल आती है उससे मैं सेक रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे घी या सरसों के तेल से भी सेक सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पराठे जो है किस तरह फूल रहे हैं। इस तरह अगर आप बनाते हैं तो आपके सारे पराठे जो है फूलेंगे। इसी तरह हम सारे पराठे को सेक के तैयार करेंगे और सारे पराठे आप देखेंगे कि फूल रहे हैं। यहाँ पे मैं ऑयल जो है बहुत कम लगा रही हूँ, आप अपने पसंद से लगा सकते हैं, ज़्यादा हो या कम हो, या फिर घी सरसों के तेल कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सारे पराठे जो है किस तरह फूल रहे हैं। तो चलिए इसी तरह सारे पराठे को सेक के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पराठे जो है रेडी हो चुके हैं। इतने में टोटल मैं 7 पराठा जो है बना के तैयार की हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है, देख सकते हैं इसके अंदर की स्टफिंग कितने अच्छे से। इसे मैं हरी वाली चटनी और अचार के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप किसी भी रसेदार सब्जी के साथ में या दही के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।